नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय टी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ पंकज कुमार। जी हाँ, एक बार फिर सुशांत पर बोलेगा भारत चंदन प्रजापत जी। सुशांत सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ उनकी, मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया या उनकी आत्महत्या की गई या उनकी हत्या की गई, मगर मुझे इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ उनकी मौत सुनकर। इनकी फिल्मों को देखते थे आप? हाँ, बहुत देखते थे, सभी फिल्म उनकी देखी हमने। कौन कौन सी फिल्में थी? छिछोरे, दिल बेचारा, जो उनकी अभी रिलीज हुई है हॉटस्टार पे, वो भी मैंने देखी थी। और धोनी, एम एस धोनी, उनकी तो सबसे अच्छी मूवी थी। क्या पैंडा मिलता था लोगों को? उनकी पिक्चरें बहुत सीख थी, प्लस उनकी पिक्चरें से धोनी थी, धोनी के ऊपर पूरी बनी थी, जिसे धोनी के पूरे जीवन को दर्शाया गया था। और छिछोरे, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट के बारे में बताया गया था, कैसी कॉलेज की जिंदगी होती है। आपका नाम? चंदन। किस क्लास में पढ़ते हैं? हाई स्कूल। सर, सुशांत सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुशांत सिंह एक ऐसे अभिनेता थे जिनका पारिवारिक कोई विरासत नहीं थी जी। आजकल फिल्मी जगत में ज्यादातर यही हो रहा है कि पिता का पिता या पिता का पिता कोई न कोई उससे फिल्म जगत से जुड़ा है, तो उसका लड़का फिल्मी जगत में आ जाता है जी। लेकिन सुशांत सिंह एक ऐसे अभिनेता थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से फिल्मी जगत में उन्होंने प्रवेश किया था और बहुत ही शानदार अभिनय किया था। लोग उनके बहुत चहेता हैं, उनके फैन हैं, और जो भी सुशांत सिंह के साथ हुआ वो अच्छा। इनकी जो मौत हुई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी मौत के पीछे क्या कौन सा रहस्य छुपा है, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। अभी इस पर जाँच चल रही है और दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, लेकिन सीबीआई और काफ़ी चर्चा में है कि रिया चक्रवर्ती इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं उनका दबाव था, जो उसके कारण डिप्रेशन में। अब सुशांत सिंह की फिल्मों से आपको क्या प्रेरणा मिलती थी? सुशांत सिंह के फिल्मों से युवाओं में बहुत ही प्रेरणा मिलती थी, और उनके मौत से पूरे युवा जगत आहत हैं, और इसमें जो भी दोषी हों उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।